अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। भारतीय आत्मा के साथ ये तीन कानून अब प्रस्तावित होंगे। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। क्या अंग्रेजों का बनाया आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट बदलेगा? क्या मोब लिंचिंग पर नया कानून बनेगा? क्या बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों को अब फांसी होगी? आज बात करेंगे अमित शाह ने जो क्रांतिकारी बिल पेश किया उस पर। हम आपको बताएंगे तीनों कानून में कितनी धाराएं होंगी, तीनों कानून में क्या खास है और तीनों कानून में क्या क्या बदलाव हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। भारत सरकार ने क्राइम से निपटने, अपराधों की जांच करने और गुनहगारों को सजा दिलाने के कानूनों को पूरी तरह से बदलने का बड़ा फैसला किया। अब तक हमारे देश में चोरी, जालसाजी, डकैती, बलात्कार, हत्या जैसे मामलों की जांच अंग्रेजों द्वारा बनाए गए प्रोसीजर के आधार पर होती है। 75 साल से हमारे यहाँ अदालतों में दस्तावेज पेश करने, केसों की गवाही, सजा दिलाने की प्रक्रिया ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर होती है। 1860 में बनी आईपीसी, 1872 में बना एविडेंस एक्ट और 1898 में बनी सीआरपीसी आज भी चलती है। अमित शाह ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों को बदलने का प्रस्ताव पार्लियामेंट में पेश किया। अमित शाह ने बताया कि उन्होंने कानून को लाने से पहले 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए थे। 4 सालों तक इस कानून पर गहन विचार विमर्श हुआ और ये स्वयं इस पर हुई 158 बैठकों में उपस्थित रहे, तब जाकर उन्होंने संसद में ये तीनों कानून पेश किए। 11 अगस्त को इन्हें लोकसभा में पेश किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में तीनों कानूनों को पेश करते हुए कहा कि गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। अब तक जो कानून है उसमें दंड दिए जाने की अवधारणा है, जबकि नए कानून में देश के लोगों के लिए न्याय देने का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सबसे प्रभावी कदम है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये तीन कानून क्या है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। लोकसभा में पेश किए गए जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और अंग्रेजी संसद में पारित किए गए इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट आईएएस 1872 के कानूनों को रिप्लेस करेंगे। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 स्थापित होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 स्थापित होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इन तीनों कानून में कितनी धाराएं होंगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी उसमें अब 533 धाराएं रहेगी, जबकि अब तक इसमें 478 धाराएं थी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है और 9 नई धाराएं जोड़ी गई है और साथ ही 9 धाराओं को निरस्त भी किया गया है। इसी तरह भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी उसमें पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। उसके बाद भारतीय साक्ष्य विधेयक जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा उसमें पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया, 1 नई धारा जोड़ी गई और 5 धाराएं निरस्त की गई है। उसके बाद बात करते हैं इन कानूनों में क्या खास बात है। कानूनों में दस्तावेज की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉक्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, एसएमएस वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है। एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को कंपल्सरी कर दिया गया है, जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी। अब बात करते हैं कि कानून में क्या क्या बदलाव हुए हैं।
7 साल या इससे ज्यादा सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपलसरी किया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा, जिसके बाद हाई कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मोदी सरकार नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आजादी के 75 सालों के बाद पहली बार जीरो FIR को शुरू करने जा रही है। अपराध कहीं भी हुआ हो उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। पहली बार EFIR का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना करेगा। यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कंपलसरी कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियाद को स्टेटस देना कंपलसरी होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 साल या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया है और अब 3 साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे। इससे अकेले प्रावधान से ही सेशन कोर्ट्स में 40% से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की परमिशन और दे सकेगी। इस तरह 180 दिनों के अंदर जाँच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। तब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा। इससे सालों तक निर्णय पेंडिंग नहीं रहेगा और फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। सिविल कोर्ट या पुलिस अधिकारी के विरुद्ध ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर अनुमति पर फैसला करना होगा, वरना इसे डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान लेकर आए हैं। अंतरराज्यीय गिरोह और संगठित अपराधों के विरुद्ध अलग प्रकार की कठोर सजा का प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा जा रहा है। शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को पहली बार अपराध की श्रेणी में लाया गया है। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। 18 साल से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान रखा गया है। मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड के तीनों प्रावधान रखे गए हैं। मोबाइल फोन या महिलाओं की चेन की स्नैचिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसके लिए भी प्रावधान रखा गया है। हमेशा के लिए अपंगता आने या ब्रांड रेड धोने की स्थिति में 10 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 साल से बढ़कर 10 साल कर दिया गया है। अनेक अपराधों में जुर्माने की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। सजा माफी को राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करने के कई मामले देखे जाते थे। अब मृत्यु दंड को आजीवन कारावास को कम से कम 7 साल की सजा और 7 साल के कारावास को कम से कम 3 साल तक की सजा में बदल दिया गया है और किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी सरकार राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और सबको बोलने का बराबर का अधिकार है। पहले आतंकवाद की कोई व्याख्या नहीं थी, अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। उपस्थिति में ट्रायल के बारे में एक ऐतिहासिक फैसला किया है। सेशन कोर्ट के जज द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति की अनुपस्थितियों में ट्रायल होगा और उसे सजा भी सुनाई जाएगी। चाहे वो दुनिया में कहीं भी छिपा हो, उसे सजा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना होगा। कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और किसी को भी अधिकतम 3 वर्षों में न्याय मिल सकेगा। कानून में महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। अपराधियों को सजा मिले ये सुनिश्चित किया गया है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके ऐसे प्रावधान भी किए गए। लोकसभा में फिलहाल ये तीनों कानून पास कर दिए गए हैं और इसके बाद इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही ये तीनों कानून लागू हो जाएंगे।
आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।